तो मैंने और कुछ डाउट्स जो है रिसीव किए हैं सेशन एक्सरसाइज 1 और 2 के, उनको पहले देख लेते हैं। तो सेशन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4, तो इट्स गिवन दैट ए मैट्रिक्स इज 0 अल्फा एंड 0 0 एंड इसमें ए प्लस आइडेंटिटी, ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू 50 माइनस 50 ए, इसका वैल्यू हमको दिया है ए बी सी डी, हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हम लोग यहाँ पे अगर पुट कर दें, ए प्लस आइडेंटिटी, ए मैट्रिक्स है 0 अल्फा 0 0, उसमें अगर आप आइडेंटिटी ऐड करो, हम लोग सिर्फ ये टर्म देख रहे हैं 1 0 0 1, तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स है ये क्या बनेगा 1 अल्फा 0 1। तो ये ब्रैकेट वाला जो मैट्रिक्स है वो आ गया ए प्लस आई। अभी ए प्लस आई रेज टू 50 निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस आई का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये मैट्रिक्स दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 अल्फा 0 1, 1 अल्फा 0 1। ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो 1, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 2 अल्फा, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1। तो अगर आप ये कंटिन्यू करो, ए प्लस आई का स्क्वायर में यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो क्या लगता है कि ए प्लस आई की पावर 50 में क्या दिखेगा? देखो यहाँ पे स्क्वायर की पावर में यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 50 अल्फा 0 1। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है रेज टू 50 वाला वो ये है, फिर माइनस 50 ए है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, ए बी सी डी के वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1, ये वाला मैट्रिक्स है 1 50 अल्फा 0 1, फिर आएगा माइनस 50 टाइम्स ए, ए मैट्रिक्स इज 0 अल्फा 0 0 एंड विच इज इक्वल टू ए बी सी डी। 50 को अंदर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 50 अल्फा आएगा और फिर इन दोनों मैट्राइसेस का सब्ट्रैक्शन होगा, सो इस 50 को कट करके यहाँ पे लिख देते हैं 50 अल्फा। तो जब आप इनका सब्ट्रैक्शन लगाओगे 1 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 1, 50 अल्फा माइनस 50 अल्फा 0, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 1, तो ये मैट्रिक्स आता है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड पे है ए बी सी डी, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है 1, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 1, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये होगा 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, ए मैट्रिक्स इज 1 0 हाफ एंड देन 1 एंड ए टू द पावर 100 इज इक्वल टू, नाउ अगेन फाइंड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 1 0 हाफ 1, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 हाफ 1 के साथ विच इज इक्वल टू, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो सो विल गेट 1, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो विल गेट 0, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो विल गेट हाफ प्लस हाफ, और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो विल गेट 1। तो क्या दिख रहा है अगेन, ए स्क्वायर में यहाँ पे हाफ 2 टाइम्स है, तो ए रेज टू 100 में क्या होगा, यही स्ट्रक्चर आएगा 1 0, बट ये हाफ प्लस हाफ प्लस ये कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा 100 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 1, सो ये हाफ 100 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 हाफ इंटू 100 1, तो यहाँ पे आएगा दिस इज इक्वल टू 1 50 0 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके अब आते हैं सेशन एक्सरसाइज 2 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 2, इट्स गिवन दैट ए एंड बी दीज आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, ये सिमेट्रिक मैट्राइसेस है, ए बी ए क्या होगा, ए बी ए ये क्या मैट्रिक्स होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एक नाम रख देंगे सी,
सी ट्रांसपोज निकालते हैं। सी ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ए द होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लगता है, पहले इस पे लगेगा ए ट्रांसपोज, फिर बीच वाले मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज, फिर ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज विल बी ए, बी ट्रांसपोज विल बी बी एंड ए ट्रांसपोज विल बी ए, फिर ए बी ए आ गया। बट ए बी ए क्या है, सी है, तो यहाँ से सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी आ रहा है, मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सी हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी क्या है, ए बी ए, देयरफॉर ए बी ए इज सिमेट्रिक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, ऑर्डर थ्री, ए माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 2015 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये उन्होंने पूछा है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये करके देख सकते हो आप, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो कोई भी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करके देखो, आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 2015 ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो ये सिमेट्रिक होता, ऑड पावर है तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, जीरो, तो द आंसर इज जीरो। अब ये बहुत इजीली मैं प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मान लो एक बी मैट्रिक्स हमने बना दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज विच इज ए ट्रांसपोज प्लस ए। यहाँ से ऑब्जर्व करो, इनका राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए। सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही आप क्या प्रूव कर सकते हो, मान लो आपने बी मैट्रिक्स बनाया ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐसे लेके, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, इस पर भी ट्रांसपोज लगेगा, इस पर भी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ट्रांसपोज विल कैंसिल आउट, विल गेट ए, माइनस साइन बाहर निकाल दो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, बट ए माइनस ए ट्रांसपोज बी है तो यहाँ पे आएगा माइनस बी, तो बी ट्रांसपोज माइनस बी आ रहा है, मतलब बी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसे ही आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये वाला जो ऑड पावर है, स्क्यू सिमेट्रिक को ऑड पावर पे रेस करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, तो ऐसे इसका आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री, तो ए एंड बी स्क्वायर मैट्राइसेस है, उनका ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री, ए इज ऑर्थोगोनल, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी स्क्यू सिमेट्रिक, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की बात हो रही है, अभी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी हम लोग लगाने की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अभी बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा, तो आंसर इज जीरो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन पे। यहाँ पे ए के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली बी का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा क्योंकि बी स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेंथ। सो क्वेश्चन नंबर टेन छोड़ दो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, वो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन वैसे मैट्रिसेस की बात हो रही है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन वो वाला टॉपिक अपने जेई में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर टेन को छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन में ये दिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा कि ए, वैसे ये भी आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है बट देख लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स इसको बोलोगे कि ए थीटा, अगर आप निकालो ए थीटा मतलब इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन बाय रूट टू, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लगाओ
वन का कॉन्जुगेट वन, जे का कॉन्जुगेट माइनस जे, माइनस जे का कॉन्जुगेट जे, एंड यहाँ पे आएगा ए। तो ए इंटू ए कॉन्जुगेट ये होता है आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगा। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वन बाय रूट टू वन माइनस जे जे ए, फिर वन बाय रूट टू वन माइनस जे जे ए, दिस इज वन जीरो जीरो वन, ऐसे आएगा। सो वन बाय रूट टू मल्टीप्लाई होके हाफ आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यू गेट टू जे, फिर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यू गेट माई ये रो इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस जे प्लस जे ए, फिर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस जे प्लस जे ए, एंड फिर ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन। अच्छा यहाँ पे मैंने एक एरर कर दिया है, चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है। सी ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, एंड यहाँ पे है वन जे माइनस जे ए। तो ए थीटा कैसे निकाला जाता है, आपको हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट तो लिखना ही है और फिर ट्रांसपोज भी लगाना है। तो पहले काम करते हैं हम लोग, पहले इसका ए ट्रांसपोज लगाते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज वन बाय रूट टू वन जे माइनस जे ए, ये ट्रांसपोज लगा दिया। अब ए थीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट है वन जे माइनस जे ए, ठीक है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी। तो ए ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होता है डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स का, कि अगर ये यूनिटरी बोला हुआ है तो इसका पहले ट्रांसपोज लगाओ, फिर इसका कॉन्जुगेट लगाओ, इस कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स को ए थीटा लिखो। सो दिस मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई अ प्रॉपर्टी, ए इंटू ए थीटा विल बी आइडेंटिटी, फाइन। तो हम लोग अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू हाफ आएगा, यहाँ पे वन जे माइनस जे ए, यहाँ पे वन जे माइनस जे ए, दिस विल बी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीनिंग यहाँ पे आएगा वन जीरो जीरो वन। सो हाफ, अब ये फर्स्ट रो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू वन वन आएगा, फिर आएगा जे इंटू माइनस जे, दैट इज माइनस जे स्क्वायर इज माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा जे प्लस जे, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, विल गेट माइनस टू जे। जब हम लोग ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस जे माइनस जे, तो माइनस जे माइनस जे, और फिर ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस जे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएंगे, हाफ टू जे प्लस जे, यहाँ पे माइनस जे माइनस जे, एंड यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, जे स्क्वायर इज माइनस वन, तो ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन। अब अगर आप कंपेयर करो, इस एलिमेंट को जीरो पे इक्वेट करो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो जे प्लस जे ए इज इक्वल टू जीरो, तो जे प्लस जे ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए का वैल्यू आएगा माइनस वन। उसके बाद इसको भी इक्वेट टू जीरो करो, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस जे इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जे से डिवाइड कर दो, माइनस वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, सो अगेन ए इज इक्वल टू माइनस वन। एंड ये वाला एलिमेंट वन पे इक्वेट करो, देखो हाफ बाहर है तो हाफ को आपको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू दिस इज वन, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन और माइनस वन, बट ऑलरेडी माइनस वन वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे है माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 16, सो इट्स गिवन दैट ए आई
इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 रेज टू माइनस आई 3 रेज टू माइनस आई 3 रेज टू माइनस आई एंड 2 रेज टू माइनस आई। हमको समेशन निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब सिंपल है, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए आई निकालो। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 2 रेज टू माइनस आई इंटू 2 रेज टू माइनस आई माइनस 3 रेज टू माइनस आई इंटू 3 रेज टू माइनस आई। सो दिस विल बी माइनस आई की पावर, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 बेस सेम है तो 2 रेज टू माइनस 2 आई होगा, -3 रेज टू माइनस 2 आई होगा, सो विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रेज टू माइनस आई माइनस 3 स्क्वायर रेज टू माइनस आई। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, विच इज़ इक्वल टू 4 रेज टू माइनस आई माइनस 9 रेज टू माइनस आई, विच इज़ 1/4 -1/9 पावर में आई, ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इस पे आते हैं, समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो जब आप ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे समेशन 1/4 रेज टू आई माइनस 1/9 रेज टू आई, आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो पुट कर दो यहाँ पे 1/4 रेज टू आई, तो समेशन इस पे भी लगेगा, समेशन इस पे भी लगेगा, तो 4 रेज टू 1, फिर 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब, 1/4 रेज टू 4 इन्फिनिट टर्म्स, और फिर आएगा यहाँ पे माइनस साइन 1/9 रेज टू 1, 1/9 स्क्वायर, 1/9 क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिट टर्म्स। तो इन्फिनिट जी पी का फॉर्मूला लगा दो, ये जी पी है, ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/4 नीचे शिफ्ट होगा, 4 माइनस 1 माइनस 1/9 नीचे शिफ्ट होगा, 9 माइनस 1, सो विच इज़ 1/3 माइनस 1/8, 8 माइनस 3/24 विच इज़ 5/24। तो यहाँ पे हमारे डाउट्स ख़त्म हुए सेशन एक्सरसाइज 1 और 2 के, और 2 डाउट्स है एक स्टूडेंट के, वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो हमको ये क्वेश्चन दिया है, एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ओके, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो एक्स और वाई के वैल्यूज़ क्या हैं, नोट कर दो आप ये मैट्रिसेस। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो इट्स गिवन दैट मैट्रिक्स 3x+7 5y+1 and 2 -3x इट इज इक्वल टू 0y-2 8 4। इक्वेट करो एलिमेंट्स को यहाँ पे, इसको 0 पे इक्वेट करो, यू गेट 3x+7 = 0 एंड इसको 8 पे इक्वेट करो, y+1 = 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -7/3 एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ठीक है, अब ये भी होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट 4 को इक्वल होना चाहिए, सो 2 - 3x should be equal to 4। तो 4 को इधर शिफ्ट कर दो, -2 = 3x, x का वैल्यू -2/3 ये आ रहा है। और अगर आप ये इसको इक्वेट करो, 5 = y-2, तो 7 = y आ रहा है। चलो y = 7 दो एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, बट x कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, x एक जगह पे -7/3 आ रहा है और x दूसरी जगह पे -2/3 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस कभी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 ईच हैविंग एंट्री 0 और 1, 0, 2, 1 नहीं, 0 और 1 होना चाहिए। तो देखो इन्होंने क्या दिया है कि कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हो जिसमें सिर्फ 0 और 1 हो, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 3x3 के। कितने मैट्रिसेस बना सकते हो, देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 9 जगह है 9 जगह है भरने के लिए, हर जगह 2 वेज में भरी जा सकती है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस इन 2 वेज, दिस इन 2 वेज, सो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है ऐसे मैट्रिसेस के, 2 रेज टू 9,
सब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 2 raised to 9 is 5 1। ये आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे डाउट का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगला लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ जिसमें सेशन एक्सरसाइज 3 की थ्योरी होगी। थैंक यू।